हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। आज वो दौर है जब एक बैटल होता है, एक वॉर होता है, इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो इतनी बड़ी राइवलरी है इस दुनिया के अंदर। उस दौर के अंदर इतिहास में वो सारे मोमेंट्स जब इंडिया और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप बरकरार हुई है वो अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। पूरा फुल ऑन एडिटेड वीडियो है, मतलब तगड़े अपने को सारे मोमेंट्स देखने मिलेंगे। और एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो बैटल, ये जो वॉर है ना, ये हम सिटीजन्स के लिए होता है। वो लोग तो प्लेयर्स हैं, वो क्रिकेट को एज अ गेम खेलते हैं, वो लोग ये नहीं सोचते कि यार हम पाकिस्तान से खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। उनके लिए वो एक डिफेंडिंग टीम होती है ना, उन लोग का मैच चल रहा होता है, उनकी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि ऑस्ट्रेलिया से है तो हार जाएंगे तो कुछ चलेगा, बट पाकिस्तान से तो जीतना ही पड़ेगा। ये जो फालतू के चोजलेबाजी है ना, ये सब हम लोग करते हैं। तो अगर अपन ना करें और अपन इसको दोस्ती में तब्दील कर दें तो बहुत बढ़िया रहेगा यार। पर हाँ, थोड़ी बहुत तो चलनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि यार तुम बिल्कुल बावले हो जाओ, लोग एकदम डिप्रेशन वगैरह में आ जाते हैं जब ऐसे पाकिस्तान जीत जाती है हमारी इंडिया से। तो सेम हैपेंस इन पाकिस्तान आल्सो समटाइम्स, लाइक फ्यू पीपल, सबकी बात नहीं कर रही मैं, सबको मजे चाहिए होता है ना गेम से अपनी लाइफ में, पर कुछ महाशय होते हैं जो बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये दोस्ती की दास्ता वाले मोमेंट्स अपन देखते हैं। ये सारे इवेंट्स ना बहुत रिस्पेक्टेबल है कि जो भी इवेंट आपको फ्रेंडशिप सिखाए वो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल होता है। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो, पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप यू विल लव द कॉमेडी रील्स बाय दिस इंडियन गर्ल। दोस्तों, हम सब ने इंडिया और पाकिस्तान के कई किस्से सुन रखे हैं। जब कभी टीवी ऑन करते हैं तो सिर्फ जंग की आवाजें सुनाई देती हैं, और आजकल तो इंडिया और पाकिस्तान के मैच को जंग की तरह देखा जाता है। इन दोनों में से कोई भी टीम हार जाए तो उसे मैच नहीं बल्कि जंग हारने का ताना दिया जाता है। जब ये दोनों टीमें मैदान में उतरती हैं तो लोगों की नजरों में मैच का मैदान नहीं बल्कि युद्ध का मैदान होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो इस नफरत को मोहब्बत में बदलना चाहते हैं, और करोड़ों शायकीने क्रिकेट के दिलों को मोम करके अपने प्यार से भर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इंडिया और पाकिस्तान के फ्रेंडली मोमेंट्स दिखाने वाले हैं जिनके बारे में लोग और न्यूज़ चैनल कभी बात नहीं करते। नंबर 10, सौरव गंगोली और इंज़मामुल हक। दोस्तों, सौरव और इंज़माम की दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं। ये दोनों ही अपने दौर के जेंटलमैन थे। इन दोनों ने एक साथ क्रिकेट खेली और बहुत ही कमाल के कप्तान थे। इंज़माम जब भी इंडिया का दौरा करते हैं तो इनका खाना सौरव गंगोली के घर से आता। ये दोनों ही एक साथ टीवी एड्स में काम भी कर चुके हैं। नंबर 9, विराट कोहली और मोहम्मद आमिर की दोस्ती। जब मोहम्मद आमिर ने 5 साल की सजा के बाद कमबैक किया तो इन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ा। अपनी ही टीम के प्लेयर्स मोहम्मद हफीज़ और अजहर अली ने ये तक कह दिया था कि अगर आमिर की टीम में वापसी हुई तो हम इस टीम में नहीं खेलेंगे। आमिर को फिर भी टीम में शामिल कर लिया गया और विराट कोहली ने अपनी दोस्ती का हक अदा करते हुए आमिर को अपना बैट गिफ्ट कर दिया। सभी फैंस को ये बात इतनी पसंद आई कि ये किस्सा कई दिनों तक सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग करता रहा। और आमिर ने एक इंटरव्यू में कहा कि विराट कोहली इस टाइम दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल सके, लेकिन जब भी खेलते हैं तो कांटे की टक्कर होती है। मोहम्मद आमिर भी विराट कोहली के उन चुनिंदा गेंदबाजों में से एक हैं जिनको खेलते हुए कोहली अक्सर आउट हो जाते हैं। जो मैं रिसेंट टाइम्स में खेला हूँ बॉलिंग, आई थिंक मोहम्मद आमिर हैं पाकिस्तान के, जो मुझे लगता है कि दुनिया में 2-3 जो टॉप के बॉलर्स हैं, वन ऑफ द टफेस्ट बॉलर्स आई हैव प्लेड। नंबर 8, सचिन तेंदुलकर और शुएब अख्तर की दोस्ती। दोस्तों, तेंदुलकर और शुएब अख्तर की दोस्ती के बारे में तो सब वाकिफ हैं। जहां ऑन फील्ड दोनों ने एक दूसरे को कांटे की टक्कर दी, वहीं दोनों के दरमियान दोस्ती का रिश्ता भी सरेआम देखने को मिला। जैसे 2007 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट मैच हो रहा था और पानी के वक्फे में शुएब और सचिन ने एक ही बोतल से पानी पिया। ये नज़ारा देखने के लायक था क्योंकि सचिन और शुएब को हमेशा गेंद और बैट से लड़ते हुए देखा गया। इस लम्हे ने देखने वालों को अपना दीवाना बना लिया। अब इन दोनों के लिए एक लाइक तो बनता है, तो कर दीजिए ना। नंबर 7, युवराज और शाहिद अफरीदी की दोस्ती। युवराज सिंह एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके हर एक पाकिस्तानी प्लेयर के साथ अच्छे रिलेशन हैं, और स्पेशली शाहिद खान अफरीदी के साथ, जिनको ये अपना भाई मानते हैं।
इन दोनों ने 15 साल से ज़्यादा अरसा एक साथ क्रिकेट खेली। ये दोनों ही अपने दौर के ख़तरनाक पावर हीटर थे। जब पाकिस्तान सुपर लीग की शुरुआत हुई तो युवराज सिंह ने अफरीदी के नाम एक स्पेशल मैसेज किया और इनकी तारीफें की। अब ये दोनों इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं और अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते हैं। दोस्तों यही नहीं, अफरीदी का दिल भी बहुत बड़ा है। आप ज़रा इस वीडियो क्लिप को देखिए जिसने सभी इंडियन को शाहिद अफरीदी का फ़ैन बना दिया। ये लम्हा उस वक़्त देखने को मिला जब शाहिद अफरीदी स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ों पर क्रिकेट खेल रहे थे। मैच के बाद अपने फैन से मिलने गए और फ़ोटो खिंचवाने लगे। अफरीदी के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए फैंस की एक लंबी लाइन लग चुकी थी और वहीं एक अफरीदी की फ़ैन इंडिया से थी। अफरीदी ने इनके साथ भी फ़ोटो खिंचवाई, लेकिन जब इंडिया के फ्लैग की तरफ नज़र पड़ी तो वो खुला हुआ नहीं था। इसके बाद अफरीदी ने फ्लैग को खोलने के लिए कहा और फिर दोबारा फ़ोटो खिंचवाई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग करती रही और इंडिया में अफरीदी की खूब तारीफें की गईं। नंबर 6, विराट कोहली और बाबर आजम। दोस्तों विराट कोहली के बारे में तो आप जानते हैं कि वो कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। ये क्रिकेट ही नहीं बल्कि एक बड़ा दिल रखने वाले इंसान भी हैं। T20 वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच खेला गया। इंडिया को इस मैच में एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान ने यह मैच 10 विकेटों से जीत लिया था। ग्राउंड के बाहर शायकी ने क्रिकेट इस मैच को जंग का माहौल समझे बैठे थे, लेकिन दोस्तों विराट कोहली बाबर आजम के साथ हाथ मिला रहे थे और मोहम्मद रिजवान से खुशी खुशी बातें कर रहे थे। कोहली ने रिजवान को गले लगाया और जीत की मुबारकबाद भी दी। ये बात शायकी ने क्रिकेट के दिलों को इतनी छुई कि हर जानिब इनकी तारीफें होने लगी। नंबर 5, इंडिया और पाकिस्तान का इमोशनल मैच। दोस्तों सभी को याद होगी 1999 की यादगार इंडिया और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज, जहां दोनों ही टीमों ने एक दूसरे को कांटे की टक्कर दी। सीरीज के पहले टेस्ट मैच में जो चेन्नई में खेला जा रहा था, इस मैच में सचिन इंडिया को जीत के बहुत करीब ला चुके थे और सिर्फ 17 रन्स बाकी थे। जब वो आउट हुए तो इनके बाद इंडिया ने अपनी आखिरी 3 विकेट्स सिर्फ 4 के स्कोर पर खो दी और पाकिस्तान की टीम ने ये मैच अपने नाम कर लिया। इस मैच की सबसे अच्छी बात ये थी कि इंडिया के हार जाने के बाद भी इंडियन क्राउड ने पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट किया। ये एक बहुत ख़ास मेमोरी है क्योंकि उस वक़्त बॉर्डर पर जंग का माहौल चल रहा था और क्राउड की तरफ से सपोर्ट मिलना हमें ये सिखाता है कि स्पोर्ट को सिर्फ खेल की तरह खेलना चाहिए, ना कि जंग की तरह। नंबर 3, सौरव गंगोली और शाहिद अफरीदी। दोस्तों 1997 में जब पाकिस्तान इंडिया के साथ ओडीआई सीरीज खेल रहा था, तब सौरव गंगोली का बैट टूट गया। सौरव उस वक्त इंडियन टीम में नए आए थे और अपने साथ ज्यादा बैट कैरी नहीं कर पाए, तो गंगोली ने दोनों ही टीमों के बैट देखना शुरू कर दिए। इन्हें शाहिद अफरीदी का बैट पसंद आया। इन्होंने अफरीदी से पूछा, क्या मैं ये बैट अपने पास रख सकता हूँ? तो अफरीदी ने भी गंगोली को बिना कुछ कहे वो बैट गिफ्ट कर दिया। यह किस्सा सौरव गंगोली ने 2012 के T20 वर्ल्ड कप में कमेंट्री करते हुए सुनाया। नंबर 2, इमरान खान और सचिन तेंदुलकर। दोस्तों अब जो वाक्य हम आपको बताएंगे, इसे सुनकर आप कभी भी यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सच है और ऐसा हो चुका है। ये बात है 20 जनवरी 1987 की, जब मुंबई में गोल्डन जुबली मैच इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान खेला जा रहा था। तब सचिन सिर्फ 13 साल के थे और इनकी ड्यूटी ड्रेसिंग रूम में प्लेयर को रिफ्रेशमेंट देने की थी। मैच के दौरान ही पाकिस्तानी प्लेयर होटल वापस चले गए और फील्डिंग के लिए पाकिस्तान के पास प्लेयर्स कम पड़ने लगे, तो इमरान खान ने सचिन को फील्डिंग के लिए बुलाया। इन्होंने 25 मिनट पाकिस्तान के लिए डीप मिड विकेट पर फील्डिंग की। इस तरह ये 25 मिनट पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुकी हैं। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब इसके बदले में एक लाइक तो बनता है, फिर ठोक दीजिए। नंबर 1, मिसबाउल हक और आरपी सिंह। दोस्तों ये बात है 2007 की, जब पाकिस्तान ने इंडिया का टूर किया तो प्रैक्टिस के दौरान मिसबाउल हक का हेलमेट नहीं मिल रहा था। इसी दौरान आरपी सिंह ने इनको देखा और अपना हेलमेट दे दिया। ये इंसिडेंट दोनों ही प्लेयर्स की एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट को जाहिर करता है। दोस्तों ऐसा ही एक लम्हा 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में देखने को मिला, जब पाकिस्तान ने इंडिया जैसी टीम को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत लिया।
लेकिन इस फाइनल मैच के हारने के बावजूद विराट कोहली और युवराज सिंह खुशी खुशी पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ बातें करते हुए नजर आए। इन्होंने मैच को सिर्फ मैच ही समझा, ना कि जंग। नंबर वन, दोस्तों क्या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडिया और इंडियन क्रिकेटर पाकिस्तान के फेवरेट हो सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान के शुएब अख्तर पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में पसंद किए जाते हैं और विराट कोहली के चाहने वाले पाकिस्तान में तो कुछ ज़्यादा ही हैं। यहाँ बहुत से बच्चे विराट को न सिर्फ चाहते हैं बल्कि विराट की शर्ट पहनकर क्रिकेट भी खेलते हैं। ऐसा ही एक पाकिस्तानी क्रिकेट फैन जिसका नाम चाचा है और इसे पूरी दुनिया में क्रिकेट से मोहब्बत की वजह से जाना जाता है। ये जितने पाकिस्तान के फैन हैं उतने ही इंडिया के हैं, क्योंकि MS धोनी को वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मानते हैं। और ऐसा वो इसलिए मानते हैं क्योंकि जब 2011 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में टिकट्स का मिलना मुश्किल हो रहा था तो MS धोनी ने चाचा को टिकट्स दिलवाईं। ये बात यही ख़त्म नहीं हुई बल्कि MS धोनी ने चाचा को 2016 के एशिया कप में अपना साइन किया हुआ बैट दे दिया। चाचा का कहना था कि इन्होंने आज तक धोनी जैसा इंसान नहीं देखा और इनकी वजह से ही वो पाकिस्तानी होते हुए भारत को सपोर्ट करते हैं। अब तो हीरो, सुपर हीरो धोनी जी टाइप का हीरो मैं बन जाऊंगा, अपनी रेस्टोरेंट में गरीब नवाते काउंटर पे रोकूंगा तो हर आदमी देखेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक। वेरी स्वीट, चाचा जी बहुत प्यारे से हैं ना। मैंने उनका एक अभी वीडियो भी देखा था T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे, जब पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा था बट एंड में एक आउट हो गए थे सेमीफाइनल्स के अंदर, तो बहुत दुखी हो रहे थे उस समय चाचा जी, क्योंकि इंडिया भी नहीं जा पा रहा था और पाकिस्तान भी नहीं जा पा रहा था। तो इट वॉज अ वेरी सैड मोमेंट फॉर हिम एंड नॉट ओनली फॉर हिम, मेरे को भी, हजारों करोड़ों इंडियन जो पाकिस्तानी हम सब लोग दुखी थे कि यार एक बार को एक होप थी पाकिस्तान से, क्योंकि इंडिया तो आउट हो गया था 10 विकेट से पहले, है ना, इंडिया सारे मैचेस आउट हो गया था उस समय पे। पर पाकिस्तान का ये सीन था कि यार ये लोग तगड़ा खेल रहे हैं और एशिया के हैं ये, मतलब हमारा पड़ोसी मुल्क है, ये लोग आगे बढ़े अच्छा ही लगेगा, बट ठीक है, इट्स ओके, होता है। स्टिल पाकिस्तान ने बहुत प्यारी परफॉर्मेंस दिखाई थी और आगे भी इंशाल्लाह ऐसी ही उम्मीद है। और ये देखो इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती इसे ही तो कहते हैं यार। मैं खुश हो रही हूँ पाकिस्तान की जीत पे और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो खुश होते हैं जब विराट कोहली, धोनी, सचिन तेंदुलकर परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तानी खुश होते हैं यार, दिल से अच्छी लगती है बात। मेरे फेवरेट है बाबर आजम, मोहम्मद आमिर, शोएब अख्तर, तो ये एक प्यार वाला रिश्ता तो अपन लोग का है, क्योंकि यार पहले तो एक ही था ना इंडिया और पाकिस्तान, बाद में वो पार्टीशन हो गया और अलग अलग हो गए हम, है ना। बट टेक्निकली देखा जाए तो देखो दिखने में भी एक जैसे लगते हैं ऑलमोस्ट इंडियंस और पाकिस्तानी। उर्दू और हिंदी बहुत रिजेंबल करती है, बहुत ज्यादा, यू नो, बहने हैं ये दोनों भाषाएं। और मुझे उर्दू पर्सनली बहुत ही ज्यादा वाली पसंद है, हिंदी ऐसे बचपन से बोल रही हूँ मैं, पर उर्दू का जो अदब है वो मुझे हिंदी में नहीं दिखती। और मुझे अभी क्रिकेट के बारे में बात करनी चाहिए पर मैं पता नहीं कहाँ पहुंच गई, अदब पे पहुंच गई मैं यार। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज मेरा यही था कि यार इंडिया और पाकिस्तान ना दोस्त हैं एक दूसरे के, कभी भी दुश्मनी वाला भाव आप अपने मन में भी उत्पन्न मत होने देना और किसी और के मन में भी। आपके दोस्त अगर बोले ना कि अरे यार इंडिया तो यार बेकार है, हारनी चाहिए हमेशा, तो उनको समझाना, देख ठीक है तू पाकिस्तानी है, मैं समझता हूँ कि देखो मन में है कि इंडिया हारनी चाहिए, बट इसको एज अ वॉर, एज अ जंग का मैदान मत ले, गेम है, स्पोर्ट है, इसको उसी तरीके से देख। चलिए ठीक है जी, दैट इज इट फॉर टुडे, यही था आज का प्यार भरा रिएक्शन, उन्होंने कुछ ज्यादा ही प्यार बरसा दिया इस वीडियो के अंदर तो यार। दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ, उम्मीद है आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर मैं भी बढ़िया लगी हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे कर लो फॉलो, और अगर ठीक ठाक लगे हो तो यहीं पर चलने दो यार सीन, यहाँ पे क्रिकेट की वीडियोज देखते रहेंगे और मुशायरे देखते रहेंगे। चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, बाय, अलविदा।